अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुबैर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहा व्लॉग्स। आज हम आए हुए हैं मवेशी मंडी, यहाँ पे हम बछड़े और बछड़ियाँ देखने के लिए आए हुए हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, हमारे बजट के मुताबिक 1.5-2 लाख के तकरीबन रेंज में हमें कौन सी बछड़ियाँ मिलती हैं और कौन सी नहीं मिलती, और किस तरह की मिलती हैं और उनमें कौन कौन से खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बछड़ी, ये छोटी है, बैठी हुई है, तकरीबन ये 2 दांत वाली है, वाइट शेड है इसकी, सिर्फ इसको नहलाया वगैरह नहीं हुआ, ये बिल्कुल ही वाइट शेड में है, बहुत ही बड़ी खूबसूरत है। और उसके साथ ये ब्लैक में आ जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये उठती है, ये देखें इसको थोड़ी थोड़ी निशान है वगैरह, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा ये ब्लैक वाली बैठी हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें जो है ब्लैक और जो है इसमें वाइट के निशान हैं, और ये भी 2 दांत वाली, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, इसका तकरीबन 3 से 4 मन वज़न होगा, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ये वाइट वाली है, ये भी छोटी एज की लग रही है, मुझे खीरी तो नहीं लग रही, तकरीबन 2 दांत वाली है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसकी हाइट भी तकरीबन 5 फुट है, ये भी नॉर्मल है, और उसकी रेंज जो है 5 फुट, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी वाइट वाली, ये भी बैठी हुई, ये भी ज़्यादा खूबसूरत है। और उस तरफ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये लाल वाली, ये भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तकरीबन इसकी जो की प्राइस होगी 1.5-1.5 लाख है। हाँ, ये जो है मजदूर सोए हुए हैं, छाँव में सोए हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर शाम को उठते हैं और वगैरह काम करते हैं। और उसके अलावा इस तरफ मैं आ जाऊँ, ये वाइट वाले सारे बछड़े खड़े हुए हैं, और ये रेड में है, और ये सारे वाइट में हैं, सारे बहन भाई हैं। और उसके अलावा ये फिर वाइट में आ जाता है, और ये रेड में आ जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इनका रेट जो है, इसका रेट मैं बता दूँ 70,000 है, और इनका लाख है, उनका 1.5 लाख, उसका 2.25 लाख, इसका लाख, ये 2 दांत वाली हैं सारी, और ये कुर्बानी के लायक हैं, और ये सारी धूप में बैठी हुई हैं, और ये ब्लैक में बैठी हुई, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये ब्राउन कलर के, पर्पल जैसे नहीं होता ब्राउनी कलर, वो इस तरह, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी ये तकरीबन इसका वज़न होगा 2 मन तकरीबन, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, 5 फुट इसका कद, और इसके साथ ये ब्लैक वाली बैठी हुई, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसका कद जो है तकरीबन बैठी हुई अंदाजे के मुताबिक 5 फुट ही होगा, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसके साथ ही वाइट वाली बैठी हुई, ये भी इसकी बहन लग रही है, हम शक्ल नज़र आ रही हैं सेम ही नज़र, इनके सिर वगैरह नहीं हुए, जलाए हुए हैं लोगों ने खूबसूरती के लिए। और उसके साथ ये लाल वाली खड़ी हुई, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इनकी जो रेंज मुझे लग रही है 1.5 से 2 लाख के करीब लग रही है सारों की, इनकी और इनकी सारों की, अगर ये सारों की रेंज जो है तकरीबन मुझे मेरे ख्याल में 1.5 से 2 लाख, मैंने उन मालकान से बात की है, ये ताहा के साथ खड़े हुए हैं सामने, ये सामने खड़े हुए हैं, और इनकी रेंज मैंने पूछी तकरीबन 1.5 से 2 लाख है। तो आप लोगों को अगर ख़रीदना हो, अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख का बजट हो, तो आप विज़िट करते हैं मवेशी मंडी में, यहाँ कैटल फार्म में आ सकते हैं, और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इनमें 1.5 से 2 लाख आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी अच्छी वाली बछड़ी चाहिए, तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अगर आपको ख़रीदना है तो मवेशी मंडी ज़रूर विज़िट करें, और अपनी कुर्बानी मुनासिब कीमत में, मुनासिब चीज़ में कर सकें। तो मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।